नमस्कार सलाम, मैं हूं आपके साथ सामिया खान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कभी कभी प्यार या कहें कि प्यार को पाने की जिद की चाह में कुछ लोग इतनी ज्यादा हद पार कर देते हैं कि लोग उन्हें सनकी बोलने लग जाते हैं। और अब आगरा में एक ऐसी ही घटना घटित हुई है जिसने सभी को हिला के रख दिया है। दरअसल आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र में एक घटना आई जिसमें एक युवक ने अपनी 14 साल की प्रेमिका को उड़ाने के लिए बम बनाया। यह घटना बेहद चौंकाने वाली है जिसने समाज को चिंतित किया है और अब हर जगह ये वायरल हो रही है। घटना के अनुसार यहाँ एक 45 वर्षीय युवक अपने 14 साल की प्रेमिका से प्यार कर बैठा था, लेकिन जब लड़की ने उससे बात नहीं की तो युवक ने उसे उड़ाने के लिए बम बनाने का फैसला किया। बता देंगे किशोरी खोखा की दुकान चलाती है, किशोरी का भाई फैक्ट्री में काम करता है। खोखे पर किशोरी और उसकी माँ बैठती है। वो एक पेट्रोल पंप के पास रखे खोखे पर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि बेचती हैं। किशोरी ने बताया कि उसे 18 मार्च की सुबह दुकान के नीचे बम होने का पता चला। खोखे के पास धुआं निकल रहा था, चेक किया तो बम जैसा लग रहा था। उस दिन घर पर कोई नहीं था, जिस वजह से वो किसी को इस घटना के बारे में नहीं बता पाई। इसके बाद अगले दिन 19 मार्च की सुबह मम्मी और भाई को बम के बारे में बताया। भाई ने 112 पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर आ गई। आसपास के रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते ने जांच की तो पता चला कि एक मार्बल का बॉक्स है जिसमें से तार निकल रहे थे। दस्ते ने मार्बल के बॉक्स को निकाला और सुरक्षित जगह पर ले गए। डीएसपी सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि मामले में बम प्लांट करने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। बता दें कि उसका नाम गया प्रसाद है। खोखा चलाने वाले परिवार से उसकी जान पहचान है। इसी परिवार की एक लड़की से वह प्यार करने लगा था, जिससे असफल होकर घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर कुछ पटाखों से बारूद निकालकर बम बनाया था। इसके बाद खोखे के नीचे बम को प्लांट कर दिया। आरोपी के कबूलनामे के बाद थाना जगदीशपुर में केस दर्ज किया गया। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। बता दें कि इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया है कि प्यार के नाम पर किसी किस्म की हिंसा को सहना नहीं चाहिए। बहरहाल आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।